तू नीचे भाई चल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आ चुके हैं कौन ने वीडियो के साथ वापस। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे अच्छे होंगे। तो भाई तुम्हारा भाई आज करने वाला है यार डबल स्कारल गन चैलेंज, क्योंकि भाई मेरे ऐसे चैनल पे ऐसे कोई वीडियो अपलोड नहीं है जिसमें मैंने कोई चैलेंज किया और उसे भाई अपलोड किया हो। तो मैंने सोचा क्यों ना भाई डबल स्कारल गन चैलेंज हो जाए। तो भाई सामने हम उतरते तो भाई M1644 मिलती है, अस्कारल नहीं मिलती अभी मत खुश हो। सामने भाई हमें मिलती है भाई अस्कारल, भाई हमें सामने स्पॉट हो जाती है कि भाई सामने अस्कारल लगे हुए। तो मैंने सोचा यार जब गन मिल गया तो भाई हम अपनी बंदों की तरफ चलते हैं भाई बिना कोई देरी के। यार भाई बंदे बहुत तेजी से घट रहे हैं यार आजकल के इस अपडेट में ना, और बंदे तेजी से फट कर करके घट जा रहे हैं। तो भाई हमें अपने धनों की तरफ चले आते हैं और करीब को कहते हैं चलो बैठो। तो भाई हमें एक बात बतानी थी गेम प्ले में बढ़ने से पहले कि भाई पबजी मोबाइल लाइट का टूर्नामेंट हो रहा है। तो भाई जिसे भी टूर्नामेंट खेलना हो तो भाई 20 रुपये एंट्री फी और 285 BC मिलेंगे। जो टीम जीतेगी डुओ का टीम है, दोनों में से कोई सी एक बंदे को भाई ये 285 BC मिलेंगे। जो दोनों में से कौन लेना चाहता है अब खुद डिसाइड कर लेना आप लोग। और मतलब चलो गेम प्ले की बात करते हैं। भाई आपने एक स्क्वाड देख ली होगी भाई, तो मेरी भाई स्क्वाड देख कर ना भाई हक्के बक्के भाई उड़ जाते हैं। तो मैंने सोचा यार क्यों ना भाई क्लोज रेंज फाइट नहीं लिया जाए। भाई क्लोज रेंज फाइट आप जानते हो भाई अच्छी रही, और भाई चार बंदे तो आप समझ सकते हो भाई कितनी बुरी मौत मर सकता हूँ मैं। तो मुझे यहाँ पर से भाई कोई एंगल वगैरह मैं खोज रहा था कि यहाँ से कोई एक बंदे को भी नॉक कर दूँ। तो भाई यहाँ से कोई एंगल वगैरह नहीं बनता, तो मैं सोचता हूँ क्यों ना भाई अब क्लोज रेंज कर ही दिया जाए कि भाई मैं हमने ड्रॉप लूट लिया था और ड्रॉप में ऐसी कोई गन नहीं मिली थी। आरपीजी जो भी थी मैं मतलब एमके थी सॉरी, तो भाई वो कैरी भी उन्होंने उठा लिया था। तो भाई ऐसा कोई मूवमेंट वहाँ नहीं बनता, अगर स्टोल के निकलती तो बात ही अलग हो जाती। पर हमें यहाँ पर बिना कोई देरी के भाई बिना कोई बकवास के मैं यहाँ पर चले आते हैं भाई, नेवर वेस्ट योर टाइम ब्रो। तो भाई हमें यहाँ पर से आते हैं तो भाई सामने हमें ग्रेनेड मिलती है भाई, पर हम अपना ऑटो पिकअप हमेशा बंद रखते हैं इसलिए ऑटो मतलब ग्रेनेड नहीं उठती। हमें एक सामने बंदा खपड़े पे दिख जाता है, स्पॉट हो जाता है ठीक है। वो मतलब अपना हेड दिखा रहा, तो मैं सोचा यार थोड़ा सा भी अगर मैं निकालता हूँ अगर स्नाइपर वगैरह हो तो वो मेरा हेलमेट खट से फोड़ देंगे। तो एक बंदा हम पे क्लोज रेंज कर रहा होता है ठीक है। तो भाई हमें यहाँ पर ऐसे स्मोक निकालते हैं और फेंक देते हैं, और भाई हमें यहाँ पर मतलब भाई गलती से यार जंप वाला बंदा मतलब बाहर निकलने वाला जो था वो टिप जाता है, तो भाई ऊपर की साइड बंदा चला जाता है करीब है भाई लपेट देता है एक बंदे को। तो भाई हम कहते हैं यार अब तुम लपेट दो तो भाई अब हमारी बारी है यार, हमें तो कम से कम करने दो। तो सामने एक बंदा तो दिखता है, तो भाई हम एक बंदे को लपेट लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा ऊपर की साइड आते हैं और यहाँ से फिर से देखते हैं। तो यार खपड़े वाला बंदा मुझे दिख जाता है और उसके बाद भाई तीन बंदों को आराम से इजिली से वहीं पेल डालते हैं। उसके बाद भाई हम गाड़ी उठाते हैं और आगे की साइड चलते हैं कि भाई अपने 5 किलो गए थे, तीन बंदों को मैंने मारा था और दो बोट को मारा था। तो भाई हम डायरेक्ट थर्टी चले जाते हैं कि भाई थर्टी रेड जोन बनी होती है, तो भाई रेड जोन है यानी यहाँ बंदे मिलेंगे मिलेंगे। तो भाई हम 100% श्योर थे कि यहाँ बंदे मिलते हैं। तो भाई मैं जैसे ही गाड़ी क्लोज मतलब क्लोज में जाता हूँ मेरे को बंदे और फुट स्टेप दोनों मिल जाते हैं। तो उसके बाद हम भाई तुरंत एक बंदे को नॉक कर देते हैं, उसके बाद करीब एक बंदे को नॉक कर देता है एमके से। तो भाई हम थोड़ा सा ऊपर की साइड चले जाते हैं कि भाई कि हम सोच रहे थे यार बंदा इसका लास्ट मतलब टीममेट था किधर। तो करीब बोलता है भाई उसे रिवाइव दे रहा है, तो भाई हम कहते हैं यार किधर रिवाइव दे रहा है। तो यार मतलब फिर वो बोलता है वॉच आउट सामने की साइड दे रहा है रिवाइव। तो बंदा एक सूट पहने हुआ रहता है, तो उसको भाई जल्दी से फिनिश कर देते हैं हम। और भाई यहाँ से कुछ पेटियाँ वगैरह लूटते हैं कि भाई बिना लूट के ना कुछ काम नहीं होने वाला ठीक है। यहाँ से लूट वूट कर लेते हैं और बंदों के साइड हम जा रहे होते हैं। तो भाई हमें पता चलता है अभी अपनी थर्डिल पूरी क्लियर नहीं हुई है, सामने मुझे एक बंदा दिख जाता है। तो भाई हम इसे नॉक कर देते हैं, उसके बाद कैरी भी बोलता है भाई इसका एक और टीममेट बंदा बचा हुआ है। तो भाई मैं कहता हूँ किधर है, तो भाई लोकेशन मार करता है। तो भाई फिर से हम चलते हैं भाई और इसके एक और टीममेट को मारते हैं। तो सामने मुझे दिख जाता है भाई, फाइनली मतलब श्योर हो जाता है कि एक और बंदा इसका है यहाँ पर। और भाई हमें यहाँ पर भाई इसे भाई हल्का थोड़ा मोड़ा स्प्रे देते हैं यार, उसके बाद भाई सामने देखते हैं। तो भाई भैया जी 100 रुपये का पौआ लगा के भाई मतलब भाई हमारे साथ खेल रहे थे, तो कहा यार भाई हमारी इज्जत का कोई ख्याल रखा करो यार, 100 रुपये पौआ लगा रहे हो यार तुम गलत है यार, 1000 रुपये वाला पौआ लगाओ यार, मेरी भी कोई इज्जत है यार ठीक है। तो उसके बाद सामने देखता हूँ तो भाई मुझे बंदे के भाई स्टोल के किस साउंड बहुत ज़्यादा आ रहे थे और मुझे एक बंदा दिख जाता है सीनियर सीनियर जो है उनको हम नॉक कर देते हैं। उसके बाद भाई बिना कोई देर के हम कहते हैं यार चलो रश कर देते हैं भाई, लेट हुआ तो भाई वो बंदा रिवाइव हो जाए। पर ऐसा ही होता है भाई करीब मतलब एक स्प्रे में ना
दोनों को लपेट लेता, इसके टीममेट को भी लपेट लेता और भाई मेरे जो नॉक किया था उसको भी लपेट लेता। तो मैं यहाँ से ग्रेनेड निकालता हूँ, मैं सोचा तो ऊपर की साइड बंदे रिवाइव वगैरह ले रहे होंगे, पर ये नहीं होता, नीचे की साइड रिवाइव ले रहे थे। तो सामने हम अपने ग्रेनेड को फेंकते हैं, पर भाई कहाँ से कहाँ बनने वाला यार। देखो एक बार स्प्रे में दोनों को लपेट लेता, उसके बाद भाई हम सोचते हैं यार एक ग्रेनेड से भाई कम से कम तू तो मर जाए भाई, अपना किल तो कम से कम मिल जाने दे। तो भाई यहाँ पर से वो भी नहीं मरता, तो फिर एक और ग्रेनेड फेंक देता हूँ, फिर सामने की साइड देखते हैं तो यार फ्री के किल भाई। पर मुझे क्या पता था ये दोनों मेरे टीममेट का भाई किल है, तो भाई जैसे मारता हूँ तो मुझे किल नहीं मिलता। उसके बाद भाई मैं इसे सोचता हूँ मार के, तो भाई इसे से भी किल नहीं मिलता। तो मैं सोचता हूँ यार ये तो गलत है भाई, अन्याय है मेरे साथ। तो भाई मैं बोलता हूँ S12 के भाई थोड़ा संभल के, और सामने की साइड वो बंदा कैंप कराता है, तो भाई हम उन्हें भाई तुरंत उठा कर पटक देते भाई। और S12 के वाले को भाई भाई ऐसा मारने में जो मज़ा है ना भाई तुम समझ नहीं सकते यार, दिल से भाई क्या ही बोलूँ, इतनी खुशी निकलती है यार, तब भाई आँख से आंसू आ जाते हैं यार। तो भाई चलो हमारे गेम में तो भाई लास्ट जोन का सर्कल बना रहता है, तो भाई चार बंदे हमारे बच रहे होते हैं, दो बंदे हम और दो बंदे अगले वाले साइड से। पर यहाँ पर भाई स्केटबोर्ड के सस्ते न से हम सोचते हैं यार मतलब स्केट करते हुए जाएंगे, और भाई सामने बंदा दिख ही रहा होगा आपको, और एक बंदा प्ले जोन से मर जाता है भाई। ठीक है, तो सामने मुझे एक बंदा दिखता है, एक स्प्रे में सोचता हूँ यार लपेट लो यार, पर काम नहीं बनता। तो भाई हम सोचते हैं कैरिबैक को कहते हैं यार दूर हो जाना उस किल से भाई, तूने सारे किल चुरा लिए। तो ये बोलता है ठीक है मैं दूर हो जाऊँगा, ठीक है दूर हो जाऊँगा मैं। तो उसके बाद मारने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, और यहाँ पर विनर विनर कंटेनर हो जाता है भाई। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना।